आप सभी का स्वागत है कटारिया सिस्टर्स फैशन डायरी में। ये इस चैनल पर हमारी फर्स्ट स्टिचिंग वीडियो है, आई होप आपको पसंद आएगी। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको ड्रेसेस डिज़ाइन भी दिखाएंगे जो हम बनाते हैं, और साथ ही उन्हें कैसे बनाना है ये भी बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम प्लेन फैब्रिक से डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक लिया है ग्लेस कॉटन, और ये हम लाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये 2 मीटर है, और उसके बाद हमारा मेन फैब्रिक होगा ये हमारा 2.5 मीटर है, और ये फैब्रिक चिनोन का फैब्रिक है। सबसे पहले हम लाइनिंग कट करेंगे। एक तरफ से हम लाइनिंग को इस तरह से मोड़ेंगे। अभी हमारी इसकी 2 लेयर्स हैं और मेरी तरफ ये बंद वाली साइड है। लाइनिंग की लेंथ हम कुर्ती की लेंथ के लेंथ से थोड़ी छोटी ही लेंगे ताकि बाहर की तरफ दिखाई न दे। और इसकी चौड़ाई के लिए पहले हम हिप का 4th पार्ट लेंगे, और उसके बाद 3 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। अभी हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। जितना हम नॉर्मल कुर्ती में अपना शोल्डर लेते हैं उससे हम 2 इंचेस कम लेंगे इस शोल्डर की लेंथ, यानी कि 4.5 इंचेस मैंने इसका शोल्डर लिया है। यहाँ से भी 4.5 इंचेस। अभी हम ऊपर से 3 इंचेस कम आर्म होल की लेंथ लेंगे, क्योंकि 3 इंच की हम ऊपर की तरफ पट्टियाँ बनाएंगे शोल्डर की, तो इसलिए हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है 3 इंच कम। यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 4th पार्ट 9 इंचेस, 2 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक। यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। आर्म होल की गोलाई यहाँ से 1.5 इंचेस पर की है। अभी यहाँ से हम नीचे हिप का निशान लगाएंगे, 14 इंचेस पे हम हिप बनाएंगे, और 7 इंचेस पे हम बनाएंगे कमर। कमर का 4th पार्ट लेंगे 7.5 इंचेस और 2 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक। हिप का निशान लगाएंगे 9.5 इंचेस एंड 2 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक। सभी निशानों को अच्छे से मिला लेंगे। अभी इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, हमने लाइनिंग के एक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसी तरीके से हमें 3 पार्ट्स और कट करने हैं, एक लाइनिंग का और 2 पार्ट्स मेन फैब्रिक से हमें कट करने हैं। बाकी 3 पार्ट्स का भी सेम ही मेजरमेंट रहेगा, लेकिन हमें जो मेन फैब्रिक की लेंथ लेनी है वो लेंथ हमें अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ही लेनी है, क्योंकि लाइनिंग हमने छोटी ली हुई है। बाकी 3 पार्ट्स की कटिंग के बाद ये मैंने फ्रंट पार्ट की लाइनिंग ली है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट मेन फैब्रिक से जो हमने कट किया हुआ है। दोनों पार्ट्स को हम पेस्ट करेंगे या फिर सिलाई लगा के दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। और देखिए, नेक पे ये पट्टी लगाई हुई है, सीधी पट्टी, और इस पट्टी के ऊपर 3 बटन्स भी लगाए हुए हैं। देखिए, मैंने दोनों पार्ट्स को सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। उसके बाद हम फ्रंट नेक कट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें नेक की चौड़ाई कितनी लेनी है। शोल्डर की हम चौड़ाई लेंगे, वो लेंगे हम 1.5 इंचेस। आप अपने पसंद के हिसाब से इसकी चौड़ाई ले सकते हैं। जितनी चौड़ाई हम शोल्डर की यहाँ से लेंगे उतनी ही चौड़ी हमारी शोल्डर की पट्टियाँ बनेंगी। उसके बाद हमारा बचता है 5.5 इंचेस, तो इतनी ही चौड़ाई हमें अपने नेक की भी लेनी है। उसके बाद हमें नेक की लेंथ लेनी है। ऊपर की तरफ हम 3 इंच की पट्टियाँ लगाएंगे, तो उसको छोड़ते हुए हमें अपने नेक की लेंथ लेनी है। तो ये हमारा बचेगा नीचे 3.3 इंचेस का नेक, और चौड़ाई होगी वो होगी 5.5 इंचेस। तो इस तरीके से हम अपने नेक की चौड़ाई और लेंथ लेंगे। अब बुकरम ली है जिसकी चौड़ाई 8 इंचेस है और लेंथ है 5 इंचेस। इससे हम अपना फ्रंट नेक कट करेंगे। बुकरम को सेंटर से मोड़ेंगे और नेक की चौड़ाई का हाफ लेंगे, वो है 2.7 इंचेस, और लेंथ है 3.5 इंचेस। सभी निशानों को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे राउंड नेक ड्रॉ करना है।
यहाँ से इसकी गोलाई 1.5 इंचेस ली है और अब इस नेक को कट करेंगे। देखिए मैंने फ्रंट नेक कट कर लिया है, अब हमें बैक नेक भी कट करना है जिसके लिए बुकरम ली है। अब हमें बैक नेक आप अपनी पसंद के हिसाब से डीप बना सकते हैं, लेकिन चौड़ाई हमें 5.5 इंचेस ही लेनी है। उसके बाद बैक नेक को भी राउंड ही हमें कट करना है। अब हम कुर्ती पर कप लगाएंगे जिसके लिए हमें सेम आर्म होल और सेम शोल्डर लेते हुए एक पीस कट करना है 14 इंचेस लंबा। देखिए ये पीस मैंने कट कर लिया है, इसके ऊपर ही हम कप लगाएंगे। इसको हम सेंटर से मोड़ेंगे, ऊपर की तरफ हमें 3 इंचेस छोड़ते हुए शोल्डर पट्टियों के लिए नीचे की तरफ हमें 10 इंच का निशान लगाना है। सीधा निशान लगाएंगे और हम कप के बीच जो गैप रखेंगे वो रखेंगे 1 इंच का। अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से निशान लगाना है। ऊपर की तरफ हमें ध्यान रखना है जो हम 3 इंचेस ऊपर छोड़ रहे हैं शोल्डर की पट्टियों के लिए वो हमें साथ लेते हुए ही चलना है। नीचे 10 इंचेस का निशान और गैप रखेंगे वो है 1 इंच का। अब हम निशान पर कप को मिलाते हुए ऐसे रखेंगे, इसको मोड़ते हुए सेंटर में हमें निशान लगाना है और दोनों निशानों को मिलाते हुए ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। दूसरे कप को भी इसी तरीके से मोड़ के सेंटर में निशान लगाना है और यहाँ से सीधा ड्रॉ करना है सभी निशानों को मिलाते हुए। अब इसको हम ऐसे दबाएंगे और इस पर टाँका लगाना है, इसको हम बाद में निकाल देंगे। अब इसकी गोलाई में भी हमें सिलाई लगानी है, हाथों से फैब्रिक को अच्छे से प्रेस करते हुए सीधा करेंगे, प्लेट्स नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे हमें गोलाई में सिलाई लगानी है। एक तरफ हमने कप अटैच कर लिया है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम इसे अटैच करेंगे। देखिए मैंने दोनों को अटैच कर लिया है। अब हम नीचे जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है उसको मोड़ के सिलाई लगाएंगे और इसकी जो लेंथ रेडी होगी वो होगी 14 इंचीज, जो कि काफ़ी है। अब हम कप वाली साइड सेंटर में निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमें नेक को स्टिच करना है। नेक को बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे और इसके ऊपर हमें रफली एक सिलाई लगानी है। देखिए हमने इस पर रफली एक सिलाई लगा ली है। अब कुर्ती का फ्रंट पार्ट हमें लेना है, ऊपर की तरफ होगी राइट साइड। अब हम इस लेयर को राइट साइड रखेंगे और इसे हमें स्टिच करना है। ऊपर की तरफ यहाँ से हमें इस पर सिलाई लगानी है। पहले हम आर्म होल पर सिलाई लगाएंगे। अभी हमें नेक पे सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, बिल्कुल बुकरम के किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद दूसरे आर्म होल तक ही हमें इस पे सिलाई लगानी है। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम कट लगाएंगे और यहाँ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। यहाँ भी हमें कट लगाने हैं। देखिए हमने इस पे कट लगा लिए हैं पूरे पे। अब इसको हमें रॉन्ग साइड टर्न करना है, शोल्डर की जो ये पट्टियाँ हैं इनको अच्छे से सीधा करेंगे। अब ऊपर वाली साइड यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है अच्छी फिनिशिंग के लिए। देखिए मैंने 1 फुट का गैप रखते हुए पूरे पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें बैक पार्ट की लाइनिंग लेनी है और वहाँ भी सेंटर पे निशान लगाना है।
यहाँ हम नेक को स्टिच करेंगे रफली सिलाई लगाकर। उसके बाद ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा मेन फैब्रिक का बैक पार्ट है, ऊपर की तरफ राइट साइड होगी लाइनिंग को। अब हमें इसके साथ ही स्टिच करना है। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी फ्रंट पार्ट पर लगाई थी। देखिए इसे हमने पूरा स्टिच करके कट लगा लिए हैं। अब इसको भी हमें रॉन्ग साइड टर्न करना है। अभी इस पे भी हमें सिलाई लगानी है 1 फुट का गैप रखते हुए। यहाँ से देखिए मैंने इस पे भी सिलाई लगा ली है और नीचे लाइनिंग को भी अच्छे से अटैच कर लिया है बैक वाले पार्ट के साथ। अभी हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे बैक पार्ट पर और ऊपर की तरफ हम 3 इंचेस रख छोड़ देंगे पट्टियों के लिए। और हमें प्लेट्स की लेंथ लेनी है 10 इंचेस। यहाँ से 7 इंचेस लेंगे प्लेट्स की लेंथ, 3 इंचेस हम गैप रखेंगे। इसको सीधा मिलाएंगे। अभी यहाँ पे जो हमारी कमर की लेंथ है उसकी अकॉर्डिंग ही हमें सेंटर में निशान लगाना है। हमारी कमर की लेंथ है 7 इंचेस। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से निशान लगाएंगे, ऊपर की तरफ 3 इंचेस हमने छोड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए मैंने ये सीधी सिलाई लगाई हुई है बिल्कुल निशान के ऊपर ताकि दोनों पार्ट्स हिले ना, लाइनिंग और मेन फैब्रिक। अभी इसको इस तरीके से मोड़ेंगे और प्लेट्स को स्टिच करेंगे। जो हमने कमर का निशान लगाया है वहाँ से 1/2 इंच फैब्रिक दबाएंगे इस तरह से गोलाई करते हुए, और ऊपर नीचे हमें नोक बनानी है। अभी देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगी। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से प्लेट डालेंगे। देखिए हमने दोनों साइड प्लेट्स डाल ली हैं। अभी हमें दोनों पार्ट्स लेने हैं फ्रंट और बैक। इसके लिए हम गोलाई में जो हम आर्म होल पर पट्टियाँ लगाएंगे उन्हें कट करेंगे, जिसके लिए ये मैंने लाइनिंग ली है। इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे। अभी हमें शोल्डर का निशान लगाना है। नॉर्मल कुर्ती के लिए हम जितना शोल्डर लेते हैं बिल्कुल उतना ही निशान हमें लगाना है। 6.5 इंचेस इस साइज़ के लिए ठीक रहेगा। उसके बाद हमें यहाँ से निशान लगाना है 4.5 इंचेस का। ये हमने एल की शेप ड्रॉ की हुई है। इस साइड को हम आगे तक भी बढ़ा सकते हैं, एक्स्ट्रा ले सकते हैं इसको। यहाँ से जो हम आर्म होल की गोलाई करेंगे वो करेंगे 1.5 इंचेस पर और इसे हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद हम 2 इंचेस का निशान लगाएंगे बाहर की तरफ। ये हमें पट्टी की चौड़ाई लेनी है। अब इसको कट करेंगे। शोल्डर पर आपको जितनी चौड़ी पट्टियाँ लगानी हो उसी के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई लेनी है। अभी हमने 2 इंचेस इसकी चौड़ाई ली है। देखिए हमने एक पट्टी को कट कर लिया है, ये लाइनिंग की पट्टी है। अब इसी तरीके से हमें 3 पट्टियाँ और कट करनी है, एक लाइनिंग की और 2 मेन फैब्रिक की। देखिए मैंने 4 पट्टियों को कट कर लिया है और इसको इस तरीके से रखना है अपोजिट डायरेक्शन में इसका फेस करते हुए। 2-2 पट्टियों को इकट्ठा रखा हुआ है, एक लाइनिंग की पट्टी है और एक हमारी मेन फैब्रिक की पट्टी है। अब इनको हम स्टिच करेंगे। यहाँ से हमें इसे गोलाई में स्टिच करना है और फिर बाहर वाली साइड से भी। इसमें मैंने 2 पट्टियाँ ली हुई है, एक है मेन फैब्रिक की और एक लाइनिंग की। दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। देखिए मैंने 2 पट्टियों को स्टिच कर लिया है और जो इसकी चौड़ाई ली है वो ली है लेस के अकॉर्डिंग। जितनी चौड़ी आपको शोल्डर की पट्टियाँ चाहिए आप बना सकते हैं। अभी हम दोनों तरफ कट लगाएंगे। दोनों तरफ कट लगाने के बाद हमें इसको सीधा करना है। मैं ब्रूम स्टिक से इसे सीधा कर रही हूँ।
देखिए इस तरीके से पट्टी सीधी हो जाएगी। अब इस पे अच्छे से प्रेस करेंगे, दूसरी पट्टी को भी सीधा कर लेंगे। अब हमने शोल्डर पर इन पट्टियों को अटैच करना है। देखिए यहाँ से हमने शोल्डर की चौड़ाई ली थी 1.5 इंचीज़, और हमने ये पट्टी भी उसी के अकॉर्डिंग बनाई है, लेकिन आप इस शोल्डर की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं अगर आपको इतनी पतली पट्टियाँ पसंद ना हो तो। 2 या 2.5 इंचीज़ तक इसकी चौड़ाई आप ले सकते हैं। पट्टी को मोड़ के सेंटर में निशान लगाएंगे। अब हमें दोनों तरफ 3-3 इंचीज़ का निशान लगाना है, जितना हमने ऊपर की तरफ छोड़ा था, यानी कि हमने जितना आर्म होल की लेंथ कम ली थी उतना ही निशान। अभी हमें इस निशान पर को मिलाते हुए शोल्डर से इन पट्टियों को स्टिच करना है। यहाँ से ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं, इनको हम बाद में कट करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी पट्टी पर भी निशान लगा के उसे भी हम अटैच करेंगे। निशानों का हमें ध्यान रखना है, जो हमने 3 इंचेस का निशान लगाया था उसे शोल्डर से ही स्टिच करना स्टार्ट करना है। पहले हम इसके ऊपर रफली सिलाई लगा रहे हैं बड़ा टाका करके। उसके बाद फ्रंट पार्ट पर भी इसे गोलाई में अटैच करेंगे आर्म होल पर। अभी इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। दूसरी तरफ भी पट्टी को हम इसी तरीके से अटैच करेंगे सभी निशानों को मिलाते हुए। देखिए ये हमने लेस ली है और ये सीधी लेस है, इसको हम गोलाई में लगाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम सीधी पट्टी को, सीधी लेस को किस तरीके से गोलाई में लगा सकते हैं। पहले हम अंदर वाली साइड इसको स्टिच करेंगे। एक तरफ लेस पर हमने सिलाई लगा ली है, अभी दूसरी तरफ से ये लेस इस तरह से उठी हुई है। इस लेस के साथ मैं एक और लेस यूज़ कर रही हूँ, आप अपने पसंद से लेस लगा सकते हैं। जब भी हम गोलाई में लेस लगाते हैं सीधी लेस, तो हमें छोटी छोटी प्लेट्स डालनी पड़ती हैं। देखिए हम इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे और ये दिखाई भी नहीं देंगी ज़्यादा। इस तरह से बिल्कुल हल्की हल्की प्लेट्स डालेंगे, देखिए ऐसे। यहाँ से हमें प्लेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही सीधा स्टिच करेंगे। और यहाँ गोलाई में हल्की सी हमारी लेस उठी हुई है, यहीं पे हम एक दो प्लेट्स डाल देंगे। देखिए अब ये इस तरह से दिखेगी, ये हमारा एक कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी तरफ भी आर्म होल पर हम गोलाई में पट्टी लगा लेंगे। उसके बाद हमें साइड में फिटिंग करनी है और इस कुर्ती को नॉर्मल कुर्ती की तरह ही पूरा स्टिच कर लेंगे। देखिए मैंने इस कुर्ती को पूरा स्टिच कर लिया है और ये कुर्ती मैंने प्लाजो के साथ बनाई है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।